हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 पर बढ़ते हैं। इसके पहले प्रश्न को अब हम हल करेंगे। पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और आप देखिए, आपके पास एक संकेत लिखा हुआ है। देखिए, जब आप प्रश्न हल करेंगे किसी परीक्षा में, तो वहां पर स्वाभाविक सी बात है कि आपको संकेत या हिंट कुछ भी नहीं दिया होगा, वहां पर आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे संकेत में भी दिया हुआ है, नोटबुक की कीमत आप एक्स रुपए मान लीजिएगा और कलम की कीमत वाई रुपए मान लीजिएगा। तो जब आप प्रश्न हल करेंगे अपनी तरफ से, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नोटबुक की कीमत एक्स ही माने और कलम की वाई माने। आप हो सकता है पी और क्यू मान लें, आप हो सकता है ए और बी मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर में सवाल हल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी आंसर मैच कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ चर अलग माने हैं, किसी ने कुछ और चर माने हैं। या आप जब उत्तर पुस्तिका में भी देखेंगे इसका उत्तर, तो हो सकता है आपका उत्तर और उत्तर पुस्तिका का उत्तर अलग अलग आपको मिले। तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। अगर आपने बिल्कुल सब कुछ सही किया है, तो अलग अलग होने पर भी आप निश्चिंत रहें, आपका उत्तर बिल्कुल सही ही हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो, जैसे उन्होंने संकेत बोला गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर उसी से मैच कर रहा होगा, तो हम उसी को मान लेते हैं। लेकिन यह पूरा आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या मानते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमने नोटबुक की कीमत एक्स रुपए मान ली और कलम की कीमत हमने वाई रुपए मान ली। अब आप ये देखो, जब हमने नोटबुक और कलम की कीमत मान ली, अब हम प्रश्न में देखेंगे तो आपको एक शर्त दी हुई है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। अर्थात आप ये सोचिए कि नोटबुक की कीमत आपके पास x हो गई और कलम की कीमत आपके पास y है, तो जो x है वो y का दोगुना है, क्योंकि नोटबुक की कीमत x कलम y की कीमत की दोगुनी है। तो इस तरीके से x बराबर 2y हो जाएगा। और यदि आप एक समीकरण में के तौर पर लिखेंगे, अगर आप एक तरफ जीरो लेके आएंगे, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर जीरो, क्योंकि आपने देखिए 2y को पक्षांतर कर दिया बाई तरफ। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर जीरो। यहां पर ये ध्यान रखें कि कुछ छात्र ऐसा कर सकते हैं कि वो x को पक्षांतर कर दें, तो उनके पास हो जाएगा 2y माइनस x बराबर जीरो। तो यहां पर आपके पास दोनों उत्तर जो हैं, वो दोनों उत्तर बिल्कुल ही सही हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है कि आखिर कौन सा सही है और कौन सा गलत, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न संख्या एक को हल कर दिया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये अपना इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। यहां पर आप देखिए, आपको बोला गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। आप देखिए, यहां पर आपके पास 8 रैखिक समीकरण है और आपको 8 रैखिक समीकरण में कुछ इस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पहले समीकरण को उठाएं, तो वो आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। देखिए, बार का मतलब तो आप जानते ही हैं कि इसका मतलब यह है 5 पुनरावृत्ति कर रहा है अनंत पदों तक। तो ये आपके पास बार का मतलब हो गया। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको हर समीकरण को व्यक्त करना है। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफ आपको 0 चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, वो 0 आप कैसे बना सकते हैं। आप चाह सकते हैं कि 9.35 बार जो आपके पास है, आप उसको बाई तरफ पक्षांतर कर दें, तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। तो देखिए, आपने ये बात अच्छी करी, जैसा प्रश्न में बोला गया था कि एक तरफ 0 बनना ही चाहिए, तो आपने वो बना दिया। अब चूंकि आपको तो इसको कंपेयर करके ए बी और सी के मान भी ज्ञात करने हैं, तो देखो 2x प्लस 3y, अब यहां पर ये प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप प्लस का चिन्ह बनाइए और यहां आप माइनस 9.35 बार लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में आ चुका है। अब आपको
ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं, तो अब आप जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है इससे तुलना करेंगे। तो आप देखिए आपके पास ए बराबर दो आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए मतलब एक्स का गुणांक, तो इधर देखिए एक्स का गुणांक दो है, इधर आप देखेंगे तो बी वाई का गुणांक है, और इधर आप देखो वाई का गुणांक तीन है, अर्थात बी तीन आ जाएगा। और सी अचर पद है, तो आप देखो सी प्लस सी है, और यहाँ प्लस माइनस में 9.35 बार है, अर्थात सी का मान माइनस का 9.35 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ए बी और सी के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो आपने यहां पर देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इस रूप में भी दर्शा दिया, और ए बी और सी के मान भी ज्ञात कर लिए। अब यहां पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, यहां पर देखिए मैं इसको मेथड टू से भी बता देता हूं। मेथड टू में आप ये देखो कि हो सकता है कुछ छात्र ऐसा सोचें कि वो 2x प्लस 3y को पक्षांतर कर रहे हैं, मतलब इस पूरे पार्ट को पक्षांतर कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार आपको ये दिया हुआ था, मैं जरा अलग से ही कर दे रहा हूं। अब आपने 2x प्लस 3y पूरे को पक्षांतर किया दाईं तरफ, तो आपके पास हो जाएगा 0 बराबर माइनस 2x माइनस 3y प्लस का 9.35 बार। तो अब आप ये देखो कि आप तो इसे लिख सकते हो माइनस 2x माइनस 3y प्लस 9.35 बार बराबर 0। तो यहां पर आप देखो ये भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसी रूप में आ रही है, क्योंकि बेसिकली आपने एक तरफ 0 बना दिया है, कंप्लीट 0 होना ही चाहिए, वो आपने एक तरफ बना दिया, तो ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखें अगर आप 9.35 बार इसको पक्षांतर करते तो आपके पास ये वाला उत्तर आ जाता, और यहां पर आपने देखो 2x और 3y को पक्षांतर किया तो आपके पास ये उत्तर आ रहा है। आपको देखने में दोनों उत्तर अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों ही उत्तर सही हैं, आप कोई सा भी उत्तर अपनी परीक्षा में दे सकते हैं। अब यहां से आपको यहां पर भी a और b और c के मान ज्ञात करने होंगे, तो अब आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। तो देखिए अगर आप तुलना करोगे तो देखिए यहां पर x का गुणांक तो a है, और यहां पर x का गुणांक आप देखो माइनस दो है, तो आपके पास a का मान आ गया माइनस दो। देखिए y का गुणांक b है, और यहां पर y का गुणांक माइनस तीन है, तो b का मान माइनस तीन आ गया, और आपके पास c का मान 9.35 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने a b और c के मान भी ज्ञात कर लिए हैं। तो आप इनमें से कोई से भी मेथड से अपना उत्तर दे सकती हैं, देखने में आपको अलग अलग लग रहे होंगे लेकिन दोनों ही उत्तर सही हैं। अब हम देखिए पहले प्रश्न को तो हमने दोनों तरीके से बता दिया, अब हम जो बाकी के भाग हैं उनको एक ही तरीके से बताएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से तरीके से करें। जैसे आप देखो दूसरे वाले भाग में आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बटे पांच माइनस दस बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई बटे पांच माइनस दस बराबर जीरो। तो आप देखो एक तरफ तो कंप्लीट जीरो है, अर्थात ये जो आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में दर्शाना था उस रूप में दिया हुआ है, बस आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं वन इंटू एक्स प्लस माइनस एक बटे पांच वाई प्लस माइनस दस बराबर जीरो। तो आपने देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में दर्शा दिया। अब यहां से यदि आप तुलना करोगे तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से कंपेयरिंग अर्थात तुलना कर रहे हैं। अब हम x का गुणांक देखिए a है, और यहां पर x का गुणांक 1 है, तो अर्थात a का मान 1 आ गया, b का मान इसी तरीके से माइनस एक बटे पांच, और c अर्थात अचर वो माइनस 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा वाला भाग भी हल कर दिया। अब हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं, तो देखिए तीसरे वाले भाग में आपको यहां पर समीकरण दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6, तो ये लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तो आपको देखो एक तरफ तो 0 बनाना ही है, मतलब आप 6 को पक्षांतर करिए, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो देखो आप माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास देखिए ये ax प्लस by प्लस
सी बराबर जीरो, ये वाली फॉर्म अर्थात रूप दिखाई दे गया। अब आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। तो देखो यदि आप तुलना करोगे तो आपके पास देखो a का मान अर्थात x का गुणांक वो माइनस दो आ गया, b अर्थात y का गुणांक देखिए तीन है, और c मतलब अचर पद माइनस छः है। तो इस तरीके से आपने a, b और c के मान भी ज्ञात कर लिए हैं तीसरे वाले भाग में। चलिए अब हम चतुर्थ भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए चतुर्थ भाग में आपको समीकरण दिया हुआ है x बराबर तीन वाई। तो अब यहां पर देखिए आपको एक तरफ तो जीरो बनाना ही बनाना है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप थ्री वाई को पक्षांतर करें या x को करें, दो आंसर हो सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। हम यहां पर एक ही तरीके से आपको बता देते हैं। अगर आप तीन वाई को पक्षांतर करेंगे बाई तरफ तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस तीन वाई बराबर जीरो। अब चूंकि आपको तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में दर्शाना था तो आपने एक तरफ जीरो तो दर्शा दिया। अब देखो इस x को आप 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ए एक्स आपको चाहिए, मतलब x गुणांक आप अलग से दर्शा दीजिएगा, प्लस माइनस तीन इधर लिखा y। अब अचर पद तो इसमें है ही नहीं तो आप इसको जीरो बराबर जीरो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में आपने इसको दर्शा दिया है। अब इतना दर्शाने के बाद आप तो a, b और c का मान ज्ञात करेंगे तुलना करने पर। तो आप ये देखो x का गुणांक इधर a है और इधर x का गुणांक 1 है, अर्थात a का मान 1 हो जाएगा, b मतलब y का गुणांक, तो आप देखो माइनस तीन हो गया इधर, और c बराबर आपके पास 0 आ गया। तो इस तरीके से आपने a, b और c के मान ज्ञात कर ली हैं चौथे भाग में भी। चलिए अब हम पांचवें भाग पर आते हैं। तो पांचवें भाग में आपको बोला गया है 2x बराबर माइनस का 5y। तो पांचवें भाग को हल कर लेते हैं। 2x बराबर माइनस का 5y है तो आप माइनस 5y को पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 5y बराबर 0, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखिए कि आपको तो इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में दर्शाना था तो आपने एक तरफ जीरो कंप्लीट बना लिया। अब आप इनको अलग अलग गुणांकों में ऐसे लिख दीजिएगा। अब चूंकि अचर पद तो यहां है ही नहीं तो आप प्लस जीरो बराबर जीरो लिख दीजिएगा। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में आ चुका है। अब आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। तो अगर आप इनसे तुलना करोगे तो देखो a मतलब x का गुणांक होता है, तो देखो इधर x का गुणांक तो 2 है, b अर्थात y का गुणांक आप देख सकते हैं 5 है, और c अर्थात अचर पद, आप देखो अचर पद तो 0 है। तो इस तरीके से c का मान 0 आ गया। तो a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 0, ये आपका आ भी चुका है पांचवें वाले भाग में। अब हम अगले वाले भाग पर चलते हैं, भाग संख्या 6 पर। भाग संख्या 6 में आपको बोल दिया गया 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर आप एक बात पर गौर करें कि यहां पर y का कोई भी गुणांक तो है ही नहीं, अर्थात y वाला पद तो है ही नहीं। तो ध्यान रखें कभी भी y 0 नहीं होता है, उसका गुणांक 0 होता है। तो देखिए जैसे 3x प्लस, यहां पर y 0 नहीं हुआ है, यह हमेशा गुणांक 0 होता है, प्लस 2 बराबर 0। इस बात को बिल्कुल कंटेस्ट कर रहे हैं जो अभी हमने आपको बताई कि कभी भी कोई पद नहीं है तो वो पद अर्थात y 0 ना होकर उसका गुणांक 0 होता है, क्योंकि छात्रों को इसी में संदेह होता है और वो बोलते हैं y 0 हो गया। कभी भी y 0 नहीं होगा, उसका गुणांक 0 होगा। अब यहां से आप देखो आपने इसको दर्शा तो दिया ax plus by plus c बराबर 0 वाली फॉर्म में। अब आप इसी से तुलना कर दोगे तो आपके पास a और b और c के मान आ जाएंगे। तो देखिए a का मान 3 आ जाएगा, b अर्थात y का गुणांक ये 0 आ जाएगा, और c अर्थात अचर पद ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब हम अगले वाले भाग पर बढ़ते हैं। सातवें भाग में आप देखिए आपके पास एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है y माइनस 2 बराबर 0। तो यहां पर भी आप गौर करेंगे तो आपको x का पद नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखें कभी भी x 0 नहीं होता, उसका गुणांक 0 हुआ होगा। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0x प्लस,
अब वाई का गुणांक तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक दिखाई दे रहा है बेसिकली, कुछ भी नहीं है मतलब एक लिखते हैं आप, तो ये हो गया। और माइनस दो है तो प्लस माइनस दो बराबर जीरो आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इस रूप में अर्थात एक व्यापक समीकरण लिख दिया रैखिक। अब आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से ही तुलना कर देंगे। तो यदि आप देखो तुलना करोगे तो आपके पास ए बी और सी के मान मिलेंगे। तो देखिए ए अर्थात x का गुणांक होता है, तो आप देखो इधर x का गुणांक तो जीरो है, तो a बराबर आपके पास जीरो आ गया। b आपके पास होता है y का गुणांक, तो आप देखो ये आपके पास वन आ चुका है b का मान। और c अर्थात अचर पद, ये आपके पास माइनस दो आ गया। इस तरीके से आपने सातवां भाग भी हल कर दिया। अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर हल कर चलते हैं अर्थात आठवें वाले भाग पर। तो देखिए आठवें वाले भाग में आपको बोला गया है कि जो आपके पास समीकरण है वो है पांच बराबर दो एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम आठवां भाग वाला भाग भी उतार लेते हैं, पांच बराबर दो एक्स। तो अब यहां पर आप देखो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप दो एक्स को पक्षांतर करना चाहते हैं या पांच को। तो जैसे देखिए अगर मैं पांच को पक्षांतर करूं दाईं तरफ तो ये आपके पास हो जाएगा जीरो बराबर दो एक्स माइनस पांच। तो आप देखो इसे तो दो एक्स माइनस पांच बराबर जीरो लिख सकते हो। तो आपने एक तरफ जीरो तो बना दिया। अब आपने देखा यहां पर तो वाई का कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब वाई का गुणांक जीरो हुआ होगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं दो एक्स प्लस वाई का गुणांक जीरो और फिर आपने वाई लिख दिया प्लस इस माइनस पांच को आप प्लस करके माइनस पांच लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इस रूप में दर्शा दिया। अब आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से ही तुलना कर देंगे और ए बी सी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो अगर आप तुलना करोगे तो ए अर्थात एक्स गुणांक है, तो इधर देखो एक्स गुणांक तो आपके पास दो है, तो इस तरीके से ए का मान दो आ जाएगा। वाई का गुणांक आप देखिए बी है और इधर आप वाई का गुणांक देखो जीरो है, अर्थात बी का मान जीरो आ जाएगा। और प्लस सी बराबर है प्लस माइनस पांच, अर्थात सी माइनस पांच के बराबर हो गया अचर पद। तो इस तरीके से सी माइनस पांच हो जाएगा। तो यहां से आपने ये पूरा प्रश्न भी हल कर दिया है।